वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूं स्पोर्ट्स बाइक के पास। स्पोर्ट्स बाइक में जब भी स्पोर्ट्स बाइक का नाम आता है इंडिया के अंदर, तो सबसे पहला नाम आता है यामा। तो यामा की ये बाइक है R15, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बाइक कैसी है, क्या क्या फीचर है बाइक के अंदर, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है, कितनी पावर है, क्या इंजन कैपेसिटी है, कितने ट्रांसमिशन कितने स्पीड में आती है, ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन में जो भी डिटेल है वो डीपली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या इस बाइक के अंदर दिया गया। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिए, लाइक करके बताइएगा आपको बाइक कैसा लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा, लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम बात कर रहे थे यामा बाइक के बारे में, तो ये है यामा R15। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो ये है R15, इसके हम चलते हैं फ्रंट में। फ्रंट में देखते हैं बाइक के अंदर क्या क्या खास बात है। अगर मैं फ्रंट की बात करता हूँ, फ्रंट में इसकी LED हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में DRL दिए गए, डे टाइम रनिंग लैंप आ जाते हैं जो बाइक के लुक को काफ़ी इनहेंस करते हैं। साथ में जो है साइड में टर्न इंडिकेटर जो दिए हैं, दोनों साइडों पर टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं इसकी, जो बाइक के लुक को काफ़ी इनहेंस करते हैं। और मैं बात करता हूँ बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की, जो ब्रेकिंग सिस्टम है फ्रंट में डिस्क आ जाते हैं विद अलॉय व्हील के साथ, जो रियर है उसमें भी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, तो ड्यूअल डिस्क ब्रेक आ जाती हैं बाइक के अंदर। जो बाइक के लुक है वो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी स्टाइलिश है। तो अब बात करते हैं इसके क्लस्टर की, क्लस्टर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे ही क्लस्टर की तरफ हम जाते हैं, स्विच यहाँ से मैंने ऑन किया बाइक का, तो इसके अंदर आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मल्टी इन्फॉर्मेशन में जैसे टर्न इंडिकेटर, न्यूटन और न्यूट्रल का ऑप्शन आ जाता है, स्पीड ट्रांसमिशन दिखा देता है आपको, टाइम दिखा देती है यहाँ पे बाइक। तो मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको एक क्लस्टर प्रोवाइड कराता है, जैसे फ्यूल इन्फॉर्मेशन, स्पीड इन्फॉर्मेशन, तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। जब भी आप इंडिकेटर देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा। दूसरा आप देख सकते हैं ABS का निशान आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हर तरह की प्रोवाइड कराता है जो आपका क्लस्टर होता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड व्यू की। साइड व्यू में देखते हैं कि कैसे, साइड की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी स्टाइलिश है इसका साइड व्यू। विद R15 की बैजिंग आ जाती है, version 4.0 है ये, यामा के बैजिंग आ जाती है, तो काफ़ी जो लुक है काफ़ी स्टाइलिश है साइड से। और रियर में अगर बात कर तो रियर में भी जो LED टेल लैम्प दिए गए विद साइड इंडिकेटर के साथ, जो कि बाइक की लुक को काफ़ी इन्हेंस करते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लुक बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की। जो इंजन अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की, 155 CC का इसका इंजन है, जिसकी पावर है 13 kW की पावर है इसकी। और इसके जो टॉर्क है वो 14.2 Nm का टॉर्क है इसका, ये पेट्रोल में आ जाती है। और इसकी जो है 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड में ये बाइक आपको मिलती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ओवरऑल लेंथ की, जो कि 1990 इसकी ओवरऑल लेंथ है, अगर ओवरऑल विड्थ की मैं इसकी बात करता हूँ तो 725 mm की इसकी ओवरऑल विड्थ है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ओवरऑल हाइट की, जो ओवरऑल हाइट है बाइक की वो है 1135। इसका जो व्हील बेस है, फ्रंट व्हील से लेके लास्ट व्हील तक जो इसका व्हील बेस है वो 1325 का है। अगर मैं बात करूँ तो इसके वेट की, जो इसका वेट है 141 kg का इसका वेट है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ज़मीन से ऊपर तक का, वो है 170 mm। तो जो उसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 11 लीटर आप पेट्रोल इसके अंदर भरवा सकते हैं। तो ये थी इसकी बात। अगर मैं बात करता हूँ बाइक के कलर ऑप्शन की, सबसे पहले आपको मिलता है इसमें मेटालिक ग्रे मिल जाता है, उसके बाद रेसिंग ब्लू कलर, और तीसरा जो इसका फेवरेट कलर है जो एक अट्रैक्टिव लुक लाता है वो है रेड कलर, उसके बाद आता है डार्क नाइट। डार्क नाइट फिलहाल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये डार्क नाइट आपको मिल जाता है, ये वाला कलर है डार्क नाइट, तो ये डार्क नाइट आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रेड कलर की, रेड इसका मोस्ट सेलिंग कलर है, एक स्टाइलिश कलर है इसका, जो बाइक के लुक को काफी इनहेंस करता है, अट्रैक्टिव करता है आपको। तो जब भी आप फ्री होते हैं एक बार यामा के शोरूम पे जाएं, बाइक की टेस्ट ड्राइव लें, देखें बाइक कैसी है। अगर आपको पसंद आती है तो जल्दी से जल्दी इस बाइक को बुक कराएं और टेस्ट ड्राइव लें और अपने घर लेके जाएं।